हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लाए हैं आपके लिए वर्कशीट। सो इसमें आपको राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर एंड इन द गिवन बॉक्स। सो आप ये देख के इसका जो भी पहला वर्ड होगा उसको आप इस बॉक्स में लिखेंगे और ये आप अपने रफ नोटबुक में इस होमवर्क को कर सकते हैं। ओके, सो जैसे ये ए फॉर एप्पल है तो एप्पल का सबसे पहला जो अल्फाबेट है ए वो आप इस बॉक्स में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लैम्प, सो लैम्प में सबसे फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसको आप इस बॉक्स में लिख देंगे। सो द आंसर विल बी एल। ठीक है, सो इसी तरह ये दिस ऑल थिंग्स हरे का आप पहला जो भी लेटर है वो आप बॉक्स बना के अपनी रफ कॉपी में लिख लेंगे। सो लिख लीजिए और मैं आंसर्स आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप पॉज करके अपनी रफ बुक में लिख लीजिएगा एंड आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो आप अपने आंसर्स पूरे लिखने के बाद ही उसको टैली कीजिएगा। ओके, सो यस, सो दिस इज L for lamb, so L. This is U for uniform, so U will be the answer. This is W for watch. This is X for Xmas tree. This is O for orange. This is G for goat. This is J for joker. This is I for iron. This is M for mango. This is B for ball. This is P for parrot. This is B for bus. This is E for egg. This is D for duck. This is S for socks. This is O for O. Zero for Z. Okay, so this is zero for zero. See, you can see zero. Okay, so this is not O but Z. Okay, so zero. देन तो जीरो का जेड है यहाँ पे। ओके, देन दिस इज शिप। ओके, सो एस फॉर शिप। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप आपके कितने आंसर्स ठीक हुए होंगे। एंड ये कुछ और थोड़ी से पिक्चर्स हैं, इनका भी फटाफट से कर लेते हैं। सो दिस इज जग, जे फॉर जग। दिस इज फ्रॉग, एफ फॉर फ्रॉग। दिस इज के फॉर की। दिस इज L for lion. This is N for nest. This is W for wheel. This is R for rabbit. This is Q for queen. And this is H for hen. Okay, so now this is also your homework. Draw in any of your rough notebook and color it with the colorful pens or crayons. Okay, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe the channel. Bye bye.